गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम टू अहम बायोलॉजी क्लासेस। सब्सक्राइब करें अहम बायोलॉजी क्लासेस को एंड प्रेस दिस बेल आइकन सो दैट यू गेट द लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू। माय नेम इज़ अमृत एंड आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं पार्ट फोर। ये पार्ट फोर है फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी का, जो कि इम्पॉर्टेंट है फॉर DSSB एंड EMRS 2021 PGT बायोलॉजी के लिए। इससे पहले हम पार्ट थ्री तक कवर कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, क्लिक करके देख सकते हैं। काफ़ी ही बेनिफिशियल वीडियो होगी आपके लिए। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये हमारा पार्ट फोर है ह्यूमन फिजियोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का। अभी तक हमने पार्ट थ्री तक कवर कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, इफ़ हस्बैंड हैज़ ब्लड ग्रुप ओ एंड वाइफ ब्लड ग्रुप ए बी, द ब्लड ग्रुप ऑफ द चाइल्ड कैन नॉट बी। अगर हस्बैंड का ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है, एंड वाइफ का ए बी है, तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा ब्लड ग्रुप बच्चे का नहीं होगा। ऑप्शन ए है ए, ऑप्शन बी बी, ऑप्शन सी ए बी, एंड ऑप्शन डी ओ और ए बी। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। देखो इन्होंने क्या कहा कि हस्बैंड का ब्लड ग्रुप है ओ, ओ का एलील क्या होगा, आई ओ आई ओ, एंड वाइफ का ब्लड ग्रुप है ए बी, यानी कि इसका एलील होगा आई ए एंड आई बी। जब मैटिंग होगी तो क्या होगा, आई ए आई ओ और आई ओ आई बी। आई ओ क्या है, ये रिसेसिव एलील है, तो यहाँ पर जो ब्लड ग्रुप बना ए बना एंड बी बना, ठीक है, ए बी और ओ नहीं बना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 31 का, डी, ओ और ए बी। देन मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, ड्यू टू इंक्रीजिंग एयर बॉर्न एलर्जन एंड पॉल्यूटेंट, मैनी पीपल इन अर्बन एरिया आर सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉजिंग स्नीजिंग ड्यू टू। क्या होता है कि अर्बन एरिया में बहुत सारे पॉल्यूटेंट हैं एंड एयरबॉर्न एलर्जन है, उसकी वजह से शहर में रहने वाले लोगों को रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है। क्यों होता है ये यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन ए है बिनाइन ग्रोथ ऑन म्यूकस लाइनिंग ऑफ नेजल कैविटी, ऑप्शन बी है इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रांकियोल, ऑप्शन सी पॉलीफिरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू एंड डैमेज ऑफ द एलिवलर वॉल, ऑप्शन डी रिडक्शन इन द सिक्रीशन ऑफ सर्फिकेंट बाय न्यूमोसाइट। बताइए क्या है इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर होगा डी। क्यों होता है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर अर्बन एरिया में, क्योंकि क्या हो जाता है, रिडक्शन इन द सिक्रीशन ऑफ सर्फिकेंट बाय न्यूमोसाइट, ठीक है, इसकी वजह से होता है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। देन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, इनमें से कौन सा ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। ऑप्शन ए बॉटलिज्म, ऑप्शन बी सिलिकोसिस, ऑप्शन सी एंथ्रेसिस या ऑप्शन डी इफ्साइमा। बताइए कौन सा है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर है बी। ये जो सिलिकोसिस है ना, ये ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। देन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, इन ह्यूमन बींग ऑब्लिक फीचर्स आर एसोसिएटेड विद, ह्यूमन बींग में जो ऑब्लिक फीचर्स होते हैं वो किस में मिलते हैं। ऑप्शन ए राइट लंग में, ऑप्शन बी लेफ्ट लंग में, ऑप्शन सी बोथ लंग या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। बताइए कहाँ मिलते हैं ऑब्लिक फीचर्स। क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर है सी, बोथ लंग्स में मिलते हैं, राइट में भी एंड लेफ्ट में भी। देन क्वेश्चन नंबर 35 है,
विच ब्लड वेसल टेक ब्लड अवे फ्रॉम द किडनी, किडनी से कौन सी ब्लड वेसल ब्लड को दूर ले जाती है। ऑप्शन ए रेनल पोर्टल वेन, ऑप्शन बी रेनल वेन, ऑप्शन सी एफरेंट आर्टियोल या ऑप्शन डी इफरेंट आर्टियोल। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर है बी रेनल वेन टेक ब्लड अवे फ्रॉम द किडनी। ओके देन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है एयर डायरेक्टली एंटर द ट्रैक या वाया द, डायरेक्टली एयर कहाँ एंटर होती है ये पूछा गया है। ऑप्शन ए एक्सटर्नल नेस, ऑप्शन बी फैरिंग्स, ऑप्शन सी लैरिंग्स या ऑप्शन डी ब्रोंकाई। बताइए क्या है इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर है सी एयर डायरेक्टली एंटर द ट्रैक या वाया द लैरिंग्स, लैरिंग्स के थ्रू ट्रैकिया में एयर एंटर करती है। क्वेश्चन नंबर 37 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है सीला टर्सिका इज, सीला टर्सिका क्या है। ए डिप्रेशन ऑफ लॉन्ग बोन, लॉन्ग बोन में डिप्रेशन है। ऑप्शन बी रिज ओवर अ बोन, बोन में एक रिज है। या ऑप्शन सी डिप्रेशन इन द स्कल इन द एरिया ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, या ऑप्शन डी रिज इन द स्कल ओवर द एरिया ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिक सा ये क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है सीला टर्सिका। ठीक है, तो सीला टर्सिका क्या है, ये है एक डिप्रेशन जो कि स्कल में होती है, कहाँ पर, पिट्यूटरी ग्लैंड में। तो सीला टर्सिका is a depression in the skull in the area of pituitary gland. Okay, then move करेंगे next question पे, question number 38. Question number 38 है morphogenetic movement involved, जो morphogenetic movement होता है उसमें क्या involved होता है। option A movement of organ, organ move करते हैं। option B movement of small cell masses, option C movement of large cell masses, ऑप्शन डी डिफरेंशिएशन ऑफ सेल। बताइए मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट में क्या इन्वॉल्व है। क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर है बी मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ स्मॉल सेल मासेस, स्मॉल सेल मासेस का मूवमेंट होता है। ठीक है, देन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है द एमनियन ऑफ मैमिलियन एम्ब्रियो इज डिराइव फ्रॉम, जो एमनियन होता है मैमिलियन एम्ब्रियो का वो कहाँ से डिराइव हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए मेसोडर्म एंड ट्रोफोब्लास्ट से, ऑप्शन बी एंडोडर्म एंड मेसोडर्म से, ऑप्शन सी एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म या ऑप्शन डी एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। बताइए कहाँ से एमनियन डेवलप होता है। क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर है सी द एमनियन ऑफ मैमिलियन एम्ब्रियो इज डिराइव फ्रॉम एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म। देन डिस्कस करेंगे आज का क्वेश्चन नंबर 40। ये लास्ट क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके 10 में से कितने आंसर करेक्ट हुए। क्वेश्चन नंबर 40 है सिलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूटराइन डिवाइस, हमें हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूटराइन डिवाइस को सिलेक्ट करना है। ऑप्शन ए है वॉल्ट एलन जी 20, ऑप्शन बी मल्टी लोड 375 प्रोजेस्ट्रेट, ऑप्शन सी प्रोजेस्ट्रेट एल एन जी 20 या ऑप्शन डी लाइपेस लूप मल्टी लोड 375। बताइए कौन सा इंट्रा यूटराइन डिवाइस है जो कि हार्मोन रिलीज करता है। क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर है सी प्रोजेस्ट्रेट एंड एल एन जी 20, ये वो इंट्रायूटराइन डिवाइस है जो कि हार्मोन रिलीज करता है। तो ये थे आज के हमारे 10 MCQ। होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूले वीडियो को, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब इट एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।